गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपना डेली रूटीन बताऊंगी। तो मैं लगभग 3:30 से 4 बजे के बीच में उठती हूँ। उसके बाद मैं सबसे पहले एक गिलास पानी गर्म करके पीती हूँ, और आप लोगों को पता ही होगा कि कितना फ़ायदेमंद होता है। तो जल्दी से पानी गर्म करके पीते हैं, उसके बाद में ब्रश वगैरह भी करना है। चलो अब जल्दी से ब्रश करते हैं और उसके बाद पढ़ने बैठते हैं। हो गया ब्रश और अब पढ़ने बैठते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने घर में मास्क क्यों लगा रखा है, क्योंकि मेरी कुछ मजबूरियां हैं जिससे मैं अपना फेस नहीं दिखा सकती। तो मैं लगभग 7:30 बजे तक पढ़ूंगी। सुबह सुबह ठंड बहुत ज़्यादा रहती है, इसलिए मैं ऊपर स्टडी रूम में नहीं पढ़ूंगी, नीचे ही पढ़ूंगी। ओह, कितनी भारी टेबल है, उठती नहीं है। अब आप सोचोगे कि सारी सर्दी मेरे पे पड़ रही है क्या, तो मैं आपको बता दूं कि मेरे को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो चलिए 7:30 बज चुके हैं और अब मुझे स्कूल के लिए तैयार होना है। मुझे 8:30 तक तैयार होना है, 1 घंटा है मेरे पास। सबसे पहले तो मैं अपने कपड़े धो लेती हूँ, उसके बाद में मुझे नहाना है। अब मैं नहाती हूँ, मुझे तैयार होके खाना भी खाना है। मैं जल्दी से नहा के आ रही हूँ, इतने में मम्मी मेरे लिए खाना बना देगी। नहाने के बाद तैयार होके मैं सीधा आपको रसोई में मिलती हूँ। मम्मी ने खाना बना लिया है। मम्मी खाना डाल दो। आज मम्मी ने गोभी की सब्ज़ी बनाई है, पत्ता गोभी की, जैसे बंद गोभी भी बोलते हैं। मेरे को तो पत्ता गोभी की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। आपको कैसी लगती है पत्ता गोभी की सब्ज़ी, कमेंट करके ज़रूर बताना। अब जल्दी से खाना खाते हैं, फिर स्कूल का टाइम भी हो रहा है। चलो खाना तो हो गया, अब टिफ़िन पैक करते हैं। मेरा टिफ़िन मम्मी ने पैक कर दिया है, और अब इसको पर्स में डालते हैं फिर चलते हैं। सारा सामान डाल दिया है, अब मास्क लगाते हैं और चुन्नी लगाते हैं, जूते और पहन लूँ मैं, फिर बस स्टॉप पे चलते हैं। 8:40 हो चुके हैं, अब बस स्टॉप पे चलते हैं जहाँ पर मेरी बस आएगी। यहाँ से 5 मिनट का रास्ता है जहाँ से स्कूल बस मेरे को पिक करती है। 8:45 से 9 बजे के बीच में मेरी स्कूल बस आती है। मेरी छुट्टी 3 बजे होगी, तो मैं घर पे लगभग 4 बजे पहुँचती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आ गई पढ़ा करके। 4 बज रहे हैं, मैं 5 बजे तक आराम करूंगी, फिर उसके बाद ऊपर स्टडी रूम में पढ़ने जाऊंगी। तो 5 बज चुके हैं, अब चलते हैं ऊपर पढ़ने के लिए। ऊपर वाली दीदी का कमरा है और शाम को मैं इनके साथ ही पढ़ती हूँ। इनके बारे में मैंने आपको बताया था ना कि ये दिल्ली में कोचिंग कर रही है, ये फिलहाल घर पे ही है। तो अब हम लगभग 2 घंटे पढ़ेंगे, 5 से 7, उसके बाद डिनर के लिए ब्रेक लेंगे, फिर वापस पढ़ेंगे। तो अब खाना खा लेते हैं और खाना खाने के बाद पढ़ेंगे। आज खाने में बाजरे की खिचड़ी बनी है ऊपर चूल्हे पे। मेरे को बहुत तेज़ भूख लग रही है, अब मैं फटाफट खिचड़ी खा लेती हूँ। ऊपर जो आंटी रहती है वो आज मूंगफली सेक रही है मिट्टी में, और मिट्टी में सेकी हुई मूंगफली बहुत स्वाद लगती है। तो मैं अब जल्दी से खिचड़ी खा लेती हूँ, उसके बाद में पढ़ना भी है। हम पढ़ने बैठ गए हैं और अब हम लगभग 9 बजे तक पढ़ेंगे। रात को 9 बजे तक ही पढ़ती हूँ, उसके बाद में मुझे बच्चों के लिए
वर्कशीट बनानी होती है। चलिए फ्रेंड्स, अब 9 बज चुके हैं, अब हम कल पढ़ेंगे। गुड नाइट।